आज का हमारा टॉपिक क्या है? रिमेटॉइड आर्थराइटिस। क्या मतलब होता है रिमेटॉइड आर्थराइटिस का? हम इससे पहले ऑस्टियो आर्थराइटिस पढ़ के आए हैं, कंप्लीट है ना। तो बहुत सारी ऐसी बातें होंगी, क्योंकि तो देखो है तो ये आखिरी में आर्थराइटिस ही। इतना तो हम समझ रहे हैं कि आखिरी में क्या ही है, आर्थराइटिस ही है। यानी होना तो इन्फ्लामेशन ऑफ ज्वाइंट ही है कि नहीं? आर्थराइटिस का मतलब क्या होता है? अर्थराइटिस का मतलब होता है इन्फ्लामेशन ऑफ दी ज्वाइंट, ठीक है। और रूमेटॉइड का मतलब होता है क्या? कि जेनेटिकली, जेनेटिकली यानी कोई चीज है जो जेनेटिकली आपके ज्वाइंट में इन्फ्लामेशन कराएगी। इसको जब बाहर से देखोगे, ऑस्टियो अर्थराइटिस को देखोगे, सिमिलर दिखता है। तो मैं आज बहुत मेजर मेजर डिफरेंस के पॉइंट्स भी क्लियर कर दूंगा कि कैसे दोनों को डिफ्रेंशिएट करोगे। वाइवा में जरूर पूछते हैं लोग आपसे, एक दो पॉइंट पूछते हैं, मैं आपको 5-6 पॉइंट गिनवा दूंगा जो बिल्कुल एकदम रिमार्केबल डिफरेंस होंगे। और उन उनमें मैं आपको एक्सेप्शन भी बता दूंगा कि भैया जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ ये सब की सब पॉइंट गलत भी है। कैसे? उन्हें हम आगे समझेंगे, ठीक है। तो रिमेटोड अर्थराइटिस है क्या? क्या बोल रहे हैं कि रिमेटोड अर्थराइटिस इज अ क्रॉनिक नॉन सुपरेटिव इन्फ्लामेशन ऑफ द साइनोवियल ज्वाइंट। सर इन्फ्लामेशन बढ़ तो हमें समझ आ गया, क्योंकि इन्फ्लामेशन आप इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आइटिस लगा हुआ है, अर्थराइटिस है ना। आइटिस ऑलवेज रिजेंबल फॉर दी वर्ड इन्फ्लामेशन, यानी यहाँ इन्फ्लामेशन होना है। यानी वही अगेन सर, 5 चीजें होनी है कि यहाँ पे ज्वाइंट्स में पेन भी दिखेगा, स्वेलिंग भी दिखेगी है ना, हीट भी दिखेगी, वहां पर आपको टेम्परेचर रेज भी दिखेगा है ना, रेडनेस भी दिखेगी सर, और एक इरिटेशन भी पेशेंट के अंदर हमें नजर आएगा। यानी ये 5 बेसिक तो सिम्टम्स नजर आएंगे। फिर क्या, क्योंकि इन्फ्लामेशन हम इतने सारे पढ़ चुके हैं और अभी आगे बहुत सारे पढ़ने वाले हैं, तो इन्फ्लामेशन तो एक सिम्टम हुआ। तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस का इट इज अ क्रोनिक। अब ये एक वर्ड बहुत अगेन है कि क्रोनिक डिसीज है। क्रोनिक डिसीज का मतलब क्या होता है कि एक बार हो गई तो ये बहुत खतरनाक तरीके से फैलती चली जाती है और हालत बहुत खराब कर देती है, ठीक है। तो क्रोनिक वर्ड है, और नॉन सुपुरेटिव है। नॉन सुपरेटिव वर्ड का मतलब क्या होता है, इसको जरा ध्यान से समझना। नॉन सुपरेटिव की डेफिनेशन याद करना, क्योंकि तो कहीं कभी लिख के आएगा इट इज अ सुपरेटिव इन्फ्लामेशन, इट इज अ नॉन सुपरेटिव इन्फ्लामेशन। तो सुपरेटिव का मतलब क्या होता है? सुपरेटिव का मतलब होता है पस फॉर्मेशन। क्या मतलब होता है सुपरेटिव का? मतलब होता है पस फॉर्मिंग। तो नॉन सुपरेटिव का मतलब क्या हो गया? पस फॉर्म नहीं होगा। यानी क्या कह सकता हूं मैं इसकी, क्या मैं डेफिनेशन बोलूं, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नॉन सुपरेटिव इन्फ्लामेशन 2 मार्क्स में आए? तो व्हेन इन्फ्लामेशन डज नॉट इन्वॉल्व पस फॉर्मेशन देन वी कॉल्ड एज अ नॉन सुपरेटिव इन्फ्लामेशन। किसी भी इन्फ्लामेशन में अगर पस फॉर्म नहीं हो रहा है तो उसे हम नॉन सुपरेटिव बोलते हैं। सर फिर पस कब फॉर्म होगा? अगर कोई भी इन्फ्लामेशन किसी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से हो रहा हो तो हमेशा पस फॉर्मेशन होगा। सर एक एग्जाम्पल बता दो। ऑस्टियोमेलाइटिस, इन्फेक्शन ऑफ द बोन ड्यू टू किसकी वजह से? बैक्टीरिया, कोई बैक्टीरिया वगैरह हो सर, और कुछ बोन ट्यूमर्स जो पस फॉर्म करते हैं उस जगह पर, तो ये सब क्या हो गए? वो सुपरेटिव इन्फ्लामेशन हो जाते हैं। ये नॉन सुपरेटिव है, यहाँ पस वस कुछ फॉर्म नहीं होगा सर। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तो जेनेटिकली है, बॉडी की कमी की वजह से ही हो रहा है, बॉडी के अंदर की प्रॉब्लम है। बॉडी के अंदर वो सब हम समझेंगे अभी, कैसे क्या हो रहा है वो मैं भी सब बताऊंगा, लेकिन बॉडी के अंदर की वजह से हो रहा है तो बाहर की कोई चीज का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, तो काय का पस फॉर्मेशन? क्लियर? कैसे होता है? इट इज अ जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, इज स्ट्रॉन्गली सस्पेक्टेड, यानी जेनेटिकली आता है ना। अब जेनेटिकली यानी क्या है सर? इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, ये कौन सी डिसीज होगी सर? इट इज अ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर मतलब सर के इसके इसके जो क्या है, जेनेटिकली जो मार्कर है जिससे होती है वो हमारी बॉडी। अच्छा, हम इस पे हम बहुत पहले बहुत बार टॉपिक पे बात कर चुके हैं, फिर इस पे एक बार बात करके लगते हैं। क्या लगता है, क्या हमारे अंदर ऑटोइम्यून डिसऑर्डर नहीं हो सकता? कोई गारंटी नहीं है हमारे आपके अंदर सब, हम सब क्या, हमें दो चार ऑटोइम्यून डिसऑर्डर तो हम पढ़ भी चुके हैं सर। कौन कौन से? रूमेटॉइड आर्थराइटिस आज पढ़ रहे हैं, एंकलोजिक स्पॉन्डिलाइटिस पूरा पढ़ चुके हैं, यूट्यूब पे लेक्चर डाला है, सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटस पूरा पढ़ा चुका हूँ, माइस्थेनिया ग्रेविस कंप्लीट पढ़ा चुका हूँ, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी पूरा पढ़ा चुका हूँ। सब क्या थे? ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। क्या होता था कि जेनेटिकली माँ बाप से वो बच्चों के अंदर आते हैं। अब आपको क्या लगता है कि आपके अंदर हजारों ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, आपको क्या लगता है कि आपके अंदर किसी भी जीन ऐसा प्रेजेंट नहीं होगा जो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर? सर होगा। तो सर किसी को एल्डर एज में होता है, किसी को यंगर में, किसी को, या फिर हम बहुत आजकल सुनते हैं कि सर वैक्सीन लग गई उससे एक डिसीज, फलानी डिसीज हो गई।
या इसको कोई इसके अंदर बैक्टीरिया एंटर करा था, कोई वायरस एंटर करा, उसकी वजह से इसको रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया। क्या बोलेंगे सर, कुछ आपसे कोई पेशेंट आएगा, सर बोलेगा कि इसको अंदर कोई बैक्टीरिया से वायरस से इन्फेक्शन हुआ जिसके रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, तो क्या उस बैक्टीरिया वायरस ने रूमेटॉइड आर्थराइटिस करा? ये आजकल वैक्सीन बहुत कॉमन है, सबको लग रही है, तो कितने सारा दिखने में मिल रहा है कि वैक्सीन की वजह से लोग कुछ बोलते हैं हमें ये डिसीज हो गई। क्या वैक्सीन ने कर दी? क्या नहीं, आपके अंदर स्ट्रॉन्गली वो जीन प्रेजेंट था जो आपको ऑटोइम्यून डिसऑर्डर करा देगा। हमेशा याद रखो, हमारी बॉडी के अंदर वो जीन हमेशा ही प्रेजेंट होता है। अब सब में नहीं, अब जिसके अंदर प्रेजेंट है, सपोज करो कि मेरे अंदर मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का प्रेजेंट है या मेरे अंदर रूमेटॉइड आर्थराइटिस का प्रेजेंट है, तो अभी तक मैं ठीक हूं, तो इसका मतलब जरूरी नहीं है कि मेरे अंदर प्रेजेंट नहीं था। मेरे अंदर था, लेकिन उसको किसी ना किसी पॉइंट से ट्रिगर होना पड़ता है। ऑटोइम्यून की सबसे बड़ी यही है कि वो किसी ना किसी चीज से ट्रिगर होता है। अब वो ट्रिगर पॉइंट हर किसी के लिए कुछ भी हो सकता है। कोई दो पर्सन है, दोनों के अंदर रूमेटॉइड, तो जरूरी नहीं है कि दोनों सेम बैक्टीरिया से, किसी से भी ट्रिगर हो सकता है। ट्रिगर मतलब एक बहाना मिल गया जिससे वो एक्टिवेट हो गया। सर क्या होता है उसको क्या बोलते हैं इसके केस में? जैसे अगर आपको एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस पढ़ा के लाया था, तो वहां मैंने आपको बताया था पूरा ए, वो किससे होता था, उसका जेनेटिक मार्कर क्या था? HLA-B27 था। इसका क्या होता है? इसका होता है HLA-DR1 और DR4। क्या होता है HLA-DR1-DR4? वहां पर भी मैंने एंकलाइज पढ़ने पूरे समझा, लेकिन यहां भी मैं एक क्विक रिविजन करवा देता हूं। HLA का मतलब क्या होता है? ह्यूमन ल्यूकोसाइड एंटीजन। मतलब जैसे सपोज करो मैं हूं, मेरे अंदर अगर DR1-DR4 जीन है, कैसे पता चलेगा? मेरे अभी अगर मैं अपना भी टेस्ट कराऊंगा तो शायद मैं नहीं, मेरा पॉजिटिव मिले, लेकिन जैसे ही मेरे को रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाएगा, जब मेरा टेस्ट कराएंगे तो मेरे अंदर HLA-DR1-DR4 पॉजिटिव मिलेगा। इसका मतलब क्या था कि सर DR1-DR4 ये होते हैं उसकी कोडिंग किसी भी डिसीज के लिए। जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस का DR1-DR4 होता है ना, DR1 हो सकता है और DR4, ऐसे नहीं DR1-DR4 एक साथ नहीं, DR1 और DR4 अलग अलग होते हैं, ठीक है? या HLA-B27 एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस का कोड है। HLA का मतलब क्या होता है? HLA का मतलब होता है कि ह्यूमन ल्यूकोसाइट, जो ल्यूकोसाइट सेल्स होते हैं WBC के अंदर, उनके अंदर ये जीन उनके ऊपर जाके बैठ जाता है, ये जीन उसके ऊपर जाके बैठ जाता है, इस तरीके से बैठा होता है। अब ये है तो एंटीजन। अब सर एंटीजन क्यों, डेफिनेशन क्या होती है एंटीजन की? कि कोई भी चीज जो हमारी बॉडी की नहीं है, जो बाहर से हमारी बॉडी में आ रही है, उसे आप एंटीजन कहते हैं, और जो हमारी बॉडी पर आती है आप उसे एंटीबॉडी कहते हैं। क्लियर ना? अब है तो हमारे, हमें मिली माँ बाप से, लेकिन ये हमारी बॉडी के लिए नेचुरल तो नहीं है। क्या हमारी बॉडी के लिए नेचुरल है? क्या नहीं? अब हमारी बॉडी में आके बैठ गई है। अब इस एंटीजन को कोई भी एक्टिवेट कर सकता है। अब वो डिपेंड करेगा कि पेशेंट किससे हो रहा है ना। सपोज बैक्टीरिया वायरस किसी भी चीज से ये हो गया एक्टिवेट, ये बैक्टीरिया वायरस चल के आया और इसने इसको कर दिया एक्टिवेट। अब जैसे ही एंटीजन एक्टिवेट होगा, जब तक ये डीएक्टिवेट था बॉडी को कोई दिक्कत नहीं थी, भैया हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप चुपचाप बैठे, हमें कोई, अभी एक्टिवेट हो गया, बॉडी को तुरंत कमांड गई कि भैया WBC फटाफट सब हो जाओ, क्योंकि कोई हमारे बॉडी में एक एबनॉर्मल एंटीजन एक्टिवेट हो गया, उसके खिलाफ फटाफट एंटीबॉडीज बनाओ। फटाफट एंटीबॉडीज बनेंगी और इस एंटीजन से फाइट करेंगी और इन्हें मारने की कोशिश करेंगी। अब लेकिन उनको क्या पता कि ये जिसे मार रही है वो तो हमारे बॉडी के अंदर ही है, इन्हें कोई बाहर की चीज तो ना, यानी जब इन्हें मारेंगे तो हमारे बॉडी का ही नुकसान होगा, बॉडी में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। जैसे कैसे, अलग अलग सबका अलग अलग होता है। जैसे एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में क्या होता था कि सेक्यूलियर जॉइंट का इन्फ्लामेशन हो जाता था, हमारी अगर एंटीबॉडीज मारती थी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या होता था, डिस्ट्रोफिन प्रोटीन बनने लग जाती थी तो मसल वीकनेस होने लग जाती थी। सिस्टमिक ल्यूपस एरिटेटस में क्या होने लग जाता था, टिश्यू को मारने लग जाती थी। मायस्थेनिया ग्रेविस में क्या होता था, जो कौन से रिसेप्टर्स होते थे, एसिटाकोलिन रिसेप्टर्स, उनको मारने लग जाती थी। ऐसे ही रूमेटॉइड आर्थराइटिस में किसको मारने लग जाती हैं, साइनोवियल फ्लूइड को। किसको मारने लग जाती हैं, साइनोवियल फ्लूइड को डैमेज करने लग जाती हैं। हमारी खुद की बॉडी ही हमारे ही साइनोवियल फ्लूइड को डैमेज करने लग जाती है, उसको एंटीजन समझ के उसी को एबनॉर्मल मारने लग जाती है। ये होता है ऑटोइम्यूनिटी, यानी खुद की इम्यूनिटी खुद को ही मारने लगती है। लेकिन इसमें क्या बॉडी की गलती नहीं, उसके लिए तो कोई फॉरेन पार्टिकल था, लेकिन वो फॉरेन पार्टिकल है तो एक्चुअली में बॉडी का ही ना, भले बाहर से आए लेकिन अब तो है तो हमारा खुद का ही पार्ट ना, उसे कैसे हम बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है?
अभी हमने ये पूरी डेफिनेशन इसके बारे में क्लियर करी कि कैसे ये एक एक्ट रोल प्ले करता है, क्या ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन होता है, कैसे बाहर आता है। तो आज जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड एंड स्ट्रॉन्गली सस्पेक्टेड एचएलए डीआर1 और डीआर4 बोलते हैं कुछ एजेंट जैसे माइकोप्लाज्मा क्लॉस्ट्रिडियम सम वायरस है, वो किसी भी इसको एक्टिवेट कर देते हैं। आप और सारे बैक्टीरिया वैक्सीन भी लिख के आ सकते हो, कुछ भी वो क्या सब इसको एक्टिवेट कुछ भी कर सकता है। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि मैंने बोला ना कोई भी दो पेशेंट है तो जरूरी नहीं है कि कोई किसी एक को कर रहा है तो जरूरी दूसरा भी उसी को करे, ठीक है। अब इससे होता क्या है, जैसे ही उसने एक्टिवेट करा क्या होगा, हमारी इम्यूनिटी तुरंत उसके खिलाफ क्या बना लेती है, एंटीबॉडीज, क्योंकि वो है तो एंटीजन ना। तो एक्सपोजर ऑफ जेनेटिकली प्रीडिस्पोज्ड इंडिविजुअल सम इन्फेक्शन जो एजेंट लीड है उसको क्या कर देते हैं, टू ऑटो इम्यूनिटी एंड फॉर्मेशन ऑफ इम्यूनी कॉम्प्लेक्स। हमारे अंदर कितनी होती है एंटीबॉडीज, 5 होती है। कौन कौन सी होती है सर, गैमडे IgA एंड इम्यूनोग्लोबिन ए, इम्यूनोग्लोबिन ए, इम्यूनोग्लोबिन एम, इम्यूनोग्लोबिन डी और इम्यूनोग्लोबिन ई। गैमडे से याद रखो 5 हमारे अंदर इम्यूनोग्लोबिन होती है और यही हमारे बॉडी में जितने भी एंटीजन आते हैं उनको मारने जाती है। ये कब एक्टिवेट होती है, जब कोई बाहर से एंटीजन आए, मगर अब ये एबनॉर्मल एक्टिवेट हो जाती है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में, इनको होना नहीं चाहिए मगर ये एबनॉर्मल ऑटोइम्यून डिसऑर्डर एक्टिवेट हो जाती है और खुद के ही बॉडी के पार्ट्स को मारने लग जाती है। एंकोलाइटिस स्पॉन्डिलाइटिस में क्या पढ़ाया मैंने, किसे मारती है, साइनोवियल फ्लूइड को। व्हाट इज साइनोवियल फ्लूइड, साइनोवियल फ्लूइड जो जॉइंट के बीच में भरा हुआ होता है, अभी हम देखेंगे उसको। ठीक है, अलग अलग ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में अलग अलग इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडीज क्या हो जाती है, एक्टिवेट हो जाती है। इस केस में आरए के केस में मेजरली 3 एक्टिवेट होती है, कौन कौन सी, जी ए और एम। ठीक है, तो किसी बुक में आपको एम लिखा मिल जाएगा, कहीं नोट्स में ए लिखा मिल जाएगा, कहीं जी में लिखा मिल जाएगा। अच्छा, इस चीज से सर फिर तो एक तरीके से डायग्नोस भी हो गया, कैसे, कि अगर हम बॉडीज में एंटीबॉडीज का टेस्ट कराएंगे तो हमारी बॉडी में एबनॉर्मल जो जैसे इसमें एम लिखा हुआ है, अगर अभी एम बोले तो सर हमारी बॉडी में एबनॉर्मल एम एंटीबॉडीज भरी हुई मिलेंगी। बिल्कुल सही, यही इसका डायग्नोस है। जब हमारे को रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो जाएगा तो एंटीबॉडीज टेस्ट कराएंगे तो नॉर्मली जो आईजीएम भरी हुई मिलेगी, जी भी मिल सकती है और ए भी मिल सकती है ना। अलग अलग पर्सन में अलग अलग होती है, कुछ बुक्स में अलग लिखा हुआ है, लेकिन मेजरली ये देखा गया है कि तीनों ही हो जाती है, तीनों में से कोई भी हो सकती है। तो आप एम लिख के आओ, ए लिख के आओ, जी लिख के आओ या तीनों लिख के आओ, कोई गलत नहीं होती। ठीक है, मैं आपको थोड़ा और रिसर्चेबल बता देता हूँ, चाहता तो मैं एम पे खत्म कर देता, लेकिन मैंने आपको 2 और बता दी कि जी और ए भी होती है कई कई जगह, क्योंकि जब डायग्नोस रिपोर्ट देखोगे ना तो बहुत सारी डायग्नोस रिपोर्ट में IgG बड़ी मिलती है, तो बोलोगे सर जी क्यों बड़ी मिल रही है, हम तो पढ़ के एम बैठे हैं। ए क्यों बड़ी मिल रही है, हम पढ़ के एम बैठे हैं। तो तीनों ही बड़ी मिल सकती है, ठीक है, GAM, DE नहीं होती, GAM, ठीक है, इन द सीरम ये आपको बड़ी हुई मिल सकती है। अब ये क्या करता है, अब ये एंटीबॉडीज हमारे एंटीजन से फाइट करती है और एक कॉम्प्लेक्स बनाती है। हम पढ़ चुके हैं सेकंड ईयर में, दैट इज एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, जो आपस में जो एंटीबॉडीज क्या करती है, उस एंटीजन को खत्म करने की कोशिश करती है। तो वो इम्यून कॉम्प्लेक्स हमारे साइनोवियल फ्लूइड को एंटीजन समझने लग जाता है। तो दिस इम्यून कॉम्प्लेक्स आर डिपोजिटेड इन द साइनोवियल मेम्ब्रेन, साइनोवियल मेम्ब्रेन, उसके अंदर साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है, इसके ऊपर डिपोजिट होकर इसे डैमेज करना स्टार्ट कर देती है। कॉम्प्लेक्स आर डिपोजिट इन द साइनोवियल मेम्ब्रेन इनिशिएट अ क्रोनिक ग्रैनुलोमस इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनोवियल मेम्ब्रेन, उसको डैमेज करना। और सीधी सी बात है, जब कोई चीज डैमेज होगी तो बॉडी उसको हील भी करने की कोशिश करेगी। देखो अभी कितनी अजीब सी बात होती है कि बॉडी खुद ही मार रही है, सर खुद ही हील करेगी। अरे बॉडी तो खुद इसलिए मार रही है क्योंकि वो उसको बाहर का समझ रही है, लेकिन उसके चक्कर में बॉडी के स्ट्रक्चर्स भी तो डिस्टर्ब हो रहे हैं। तो बॉडी को ये भी नजर आता है कि हाँ हमारे स्ट्रक्चर्स भी डिस्टर्ब हो रहे हैं, हमें उन्हें ठीक भी करना है। लेकिन बॉडी के लिए जो बॉडी जिसको खत्म करी वो बॉडी के लिए बाहर का है। इसको बहुत सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझो कि भले अगर आपका हम हार्ट ट्रांसप्लांट करें, आपको पता ही अगर आपका हार्ट हमने बदला है और ये अगर आप ये खराब हो गया हार्ट तो आप तुरंत मर जाओगे, लेकिन बॉडी को फर्क नहीं पड़ता। आपके अंदर ब्लड की कमी है और आपका ब्लड ग्रुप अगर ए है और हम बी चढ़ा दें कि भैया ये मरने वाला बी चढ़ा दो, बॉडी को फर्क नहीं पड़ता। बॉडी के लिए सब कुछ फॉरेन है, उसको फर्क नहीं पड़ता आप इससे जियोगे कि मरोगे। अगर उसके लिए कुछ भी उसके अपोजिट आ रहा है वो तुरंत उसे मार देता है, इसलिए आप देखते हो तुरंत बॉडी ऑर्गन को रिजेक्ट कर देती है। भले किडनी ट्रांसप्लांट हो गई, एक अभी नहीं करेगी, 1 महीने 2 महीने पता पड़ता है कि 6 महीने बाद डेथ हो गई। क्यों, क्योंकि 6 महीने बाद रिजेक्ट कर दिया। कैसे, स्टार्टिंग में तो वो इम्यूनो डिप्रेसेंट ड्रग खाते रहे जिससे इम्यूनिटी कम होती रहे, फिर कुछ टाइम बाद बंद करा, बॉडी को तुरंत चला उसने लगा ये तो बाहर की है, उसने तुरंत उसको खत्म कर देती है, किडनी को उससे डेथ हो जाती है। तो समझ आया,
तो बॉडी के लिए कुछ भी बाहर उससे फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या हो रहे हो, उसको डैमेज वो करना स्टार्ट कर देती है। कोई भी चीज डैमेज होगी तो उसमें बॉडी की फिर हीलिंग भी होगी, तो इन्फ्लामेशन तो होना ही है, तो जगह पे इन्फ्लामेशन आपको देखने को मिलेगा। इनिशिएटर क्रोनिक ग्रेनुलोमास। क्रोनिक ग्रेनुलोमास क्या होता है? ग्रेनुलोमास अगर आप पढ़ के भी आए हो, टीवी के अंदर भी सेकंड ईयर में पढ़ा होगा, इन्फ्लामेशन के अंदर पढ़ा। ग्रेनुलोमास क्या होता है? ग्रेनुलोमास का मतलब होता है ऑल क्या, आपके इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स भी हैं वहां, WBC भी हैं वहां पर, सेल डेब्रिस भी हैं वहां पर, साइनोवियल मेम्ब्रेन जो डैमेज हो रही है उसके कुछ, इन सबको मिला के एक कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं, ग्रेनुलोमास। यानी यहाँ पर आपको बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी कि WBC मार रही है वो भी दिख रही है ना, इन्फ्लामेशन हो रहा है तो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स भी वहां पर प्रेजेंट है, नई प्रोसेस स्टार्ट हो रही है तो न्यू ब्लड वेसल्स भी देखने को मिल रही है, यानी ग्रेनुलेशन टिश्यू भी देखने को मिलेंगे। तो ये सारी चीजों को क्या बोलते हैं, ग्रेनुलोमास, है ना। तो वो सब देखने को मिलेगा, इन्फ्लामेशन ऑफ द साइनोवियल मेम्ब्रेन। अब कैसे होता है, जरा साइनोवियल फ्लूड को मैं आपको दिखाऊं तो कैसे होता है साइनोवियल फ्रंट जॉइंट पे, जॉइंट में किस तरीके से होता है साइनोवियल फ्लूड। ये देखो डायग्राम, इसमें क्या दिख रहा है, सबसे अंदर है साइनोवियल फ्लूइड, उसके ऊपर होती है कार्टिलेज, उसके ऊपर होती है बोन, और सबसे बाहर होता है आपका क्या, एक क्या होता है, कौन सा होता है, कैप्सुलर लिगामेंट, जो पूरे जॉइंट को क्या करके रखता है, कवर करके रखता है। अब मैंने आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस, अगर मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा के उसमें आपको एक चीज बताई थी कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में सबसे पहले क्या खराब होता था, क्या डिस्ट्रक्शन होता था, कार्टिलेज, दैट इज आर्टिकुलर कार्टिलेज। और इसमें क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड। इसलिए मैंने उस टाइम पे बोला था कि डिफरेंस याद रखना कि जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस है वो अंदर से बाहर की तरफ चीजों को खराब करता है, वो पहले साइनोवियल फ्लूइड को खराब करेगा, फिर कार्टिलेज को खराब करेगा, फिर बोन को खराब करेगा। और जो ऑस्टियोआर्थराइटिस होता है वो क्या होता है, वो पहले कार्टिलेज को खराब करता है, बोन को खराब करता है, फिर सबसे एंड में साइनोवियल फ्लूइड को खराब करता है। कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं, लोग सोचते हैं कि यार ऑस्टियोआर्थराइटिस में सिर्फ कार्टिलेज और बोन खराब होते हैं, साइनोवियल नहीं नहीं ऑस्टियोआर्थराइटिस के सीवियर फॉर्म में साइनोवियल फ्लूइड डिस्टर्ब होता है, ऐसे ही रूमेटॉइड आर्थराइटिस के क्रोनिक फॉर्म में बोन और कार्टिलेज डिस्टर्ब होती है। ध्यान रखना उसके एक्यूट फॉर्म में, क्योंकि अंदर से बाहर होता है वो बाहर से अंदर, कार्टिलेज बाहर की तरफ है ना, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस में पहले बाहर की चीजें खराब होती है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हमेशा बाहर से अंदर की तरफ जाता है। क्यों? क्योंकि जो बाहर की चीज, क्योंकि वो एज डिजेनरेटिव चीजें है ना, वो एज के साथ डिजेनरेट होती है, तो पहले बाहर की चीजें वो खराब होगी फिर अंदर की होंगी। लेकिन ये तो जेनेटिकली है, ये अंदर की चीजें पहले खराब कर सकता है, इसको कोई दिक्कत नहीं है, तो इसलिए अंदर से बाहर की तरफ होता है। ठीक है, अब जरा मैं आपको सामने चार पांच ऐसे डिफरेंस आपके सामने रख देता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस और रूमेटॉइड आर्थराइटिस के बीच में, इसको जरा अच्छे से समझने की कोशिश करना, और सबका एक एक एक्सेप्शन में बताता भी चलूंगा। यहां ऑस्टियोआर्थराइटिस का पॉइंट करेंगे या रूमेटॉइड आर्थराइटिस का। पहला मेजर पॉइंट हम बात कर चुके हैं, क्या होता है, इट इज अ एज डिजेनरेटिव, ये एज डिजेनरेटिव है, प्लस इसका उसके दो पार्ट थे, हम पढ़ चुके थे प्राइमरी और सेकेंडरी, प्राइमरी वाला एज था और दूसरा वाला किसी भी डिसीज, बोन ट्यूमर और बहुत सारी चीजों से हो सकता था, मगर इसमें जेनेटिकली नहीं आएगा। रूमेटॉइड आर्थराइटिस किससे होता है, जेनेटिकली, ये जेनेटिक होता है। ठीक है, पहला डिफरेंस। सर दूसरा डिफरेंस, दूसरा डिफरेंस जो अभी मैंने बताया, क्या बताया, कि जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है वो कार्टिलेज को पहले खराब करती है, किसको, कार्टिलेज को, यानी इसकी जो प्रॉब्लम होती है ये बाहर से अंदर की तरफ जाती है, बाहर से अंदर, पहले बाहर की चीजें खराब होती है फिर अंदर की। और वहीं रूमेटॉइड आर्थराइटिस में पहले साइनोवियल फ्लूइड खराब होता है, यानी सर ये अंदर से बाहर की तरफ जाता है, ये पहले अंदर की चीजों को खराब करता है फिर बाहर की। दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया। तीसरा सर, एज डिजेनरेटिव चीजें, तो खुद दिमाग लगाओ कि अगर आपकी एज बढ़ रही है तो ऐसा हो सकता है कि एक लिंब की बढ़े, राइट की बढ़ रही है लेफ्ट की ना बढ़े, कि लेफ्ट की बढ़ रही है कि राइट की ना बढ़े, एज वाली तो दोनों में प्रॉब्लम होगी ना, तो ये होती है बाइलेटरल, ये होती है बाइलेटरल। ठीक है, ये होती है बाइलेटरल, और ये जनरली होती है यूनिलेटरल। क्यों? क्योंकि सर ये क्या जेनेटिक है, जरूरी नहीं है कि इसने लेफ्ट ही खराब कर दिया, राइट नहीं खराब करा उसका मन, या मे भी दोनों कर सकती है, मगर ये तो
क्या होना, मैंने बोला ना हमेशा एक्सेप्शन, आप हमेशा यूजुअली वर्ड लगा के सीखेंगे क्योंकि बायो की शुरुआत ही ऐसे होती है, बचपन से सिखाया गया वर्ड्स की डेफिनेशन क्या होती है, जोड़ सकते हैं वो वर्ड्स होते हैं, फिर सर पेंगुइन क्या है, पेंगुइन तो नहीं उड़ती, फिर उसे भी बर्ड बोलते हो, तो हमेशा एक्सेप्शन विल बी देयर जब तक, इसलिए कभी भी हम हमेशा हर लाइन के पहले यूजुअली हमेशा देखते हैं क्योंकि 100% श्योरिटी तो किसी में नहीं। ऑस्टियोआर्थराइटिस पढ़ा था हाल ही हमने, बोल दिया सर सेकेंडरी वाला तो एज से नहीं होता, वो किसी बोन ट्यूमर या किसी भी चीज से हो सकता है, लग गया था एक्सेप्शन, ये जेनेटिक से होता है, ये हमने बाहर से अंदर ही अंदर, लेकिन सर बाहर से अंदर इसका मतलब क्या, इसमें अंदर की भी चीजें खराब नहीं होंगी, बिल्कुल होंगी सर, सीवियर फॉर्म में, इसमें अंदर से बाहर, इसमें बाहर की चीज है कब, सीवियर फॉर्म में, ये बाइलेटरल होता है यूजुअली, और ये यूजुअली यूनिलेटरल होता है, हम खुद दिमाग लगा सकते हैं क्यों हो सकता है, क्योंकि एज तो दोनों लिम की एक साथ ही बढ़ेगी ना, तो ये जनरली बाइलेटरल होता है और ये जनरली यूनिलेटरल होता है। तीन डिफरेंस हो गए सर, चौथा डिफरेंस एक बहुत याद रखना बहुत अच्छे से कि ये जो होता है ना ये लार्ज जॉइंट में होता है, लार्ज जॉइंट में इससे पहले शुरुआत होती है, यानी आपको जो ऑस्टियोआर्थराइटिस की शुरुआत दिखेगी वो पहले कैसी, कहते नी जॉइंट में, हिप जॉइंट में, ये होता है स्मॉल जॉइंट में, तो सर इसका मतलब क्या है, क्या ये नी जॉइंट में और उनमें नहीं होगा, होगा मगर इन सीवियर कंडीशन, स्टार्टिंग में ये आपको स्मॉल जॉइंट में देखने को मिलता है, मगर आगे चल के लार्ज जॉइंट में भी आपको देखने को मिल सकता है। लास्ट वन जो सबसे लोग बहुत कॉमन पूछते हैं और आपसे पूछते हैं, याद रखना ये मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं, उससे पहले हाँ चलो ये बता देता हूं क्या होता है कि ये आपको स्पेशली मिलता है DIPG में, डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, ये मैंने आपको लास्ट टाइम ऑस्टियोआर्थराइटिस में कंप्लीटली पढ़ाया था कि डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट में मिलता है। अब 90% लोग आपसे बोल देंगे सर रूमेटॉइड अर्थराइटिस में DIPG में रूमेटॉइड अर्थराइटिस नहीं मिलता है, मैं बोलूंगा गलत, मिलता है लेकिन उसकी एक पहचान है, ये बहुत सीवियर फॉर्म में मिलता है लेकिन रूमेटॉइड अर्थराइटिस पहचान है कि कभी भी डायरेक्ट DIPG में नहीं मिलेगा सर, मतलब क्या कि उससे पहले वो MCP में मिलेगा, पहले मेटाकार्पल जॉइंट में मिलेगा, फिर प्रॉक्सिमल में मिलेगा, प्रॉक्सिमल फेरेंजियल जॉइंट में, उसके बाद कहीं ये DIPG में होगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस में सीधे DIPG में हो सकता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस में ये जो आप देख रहे हो ना, ये जो आप देख रहे हो ना, थोड़ा सा लाइट की प्रॉब्लम है, ये जो ये कौन सा जॉइंट है, ये जो मेरे नेल्स के जस्ट पास में है, ये होता है DIPG डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, मिडिल में होता है कौन सा, ये जो बीच वाला जॉइंट है दैट इज प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट, और जहां से फिंगर स्टार्ट होती है दैट इज मेटाकार्पल फेरेंजियल जॉइंट, ऑस्टियोआर्थराइटिस में हमेशा जो नेल के पास वाला जॉइंट है दैट इज डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट ही अफेक्ट होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस में, सबसे छोटा जॉइंट, अभी आप ऑस्टियोआर्थराइटिस में क्या पढ़ गया कि लार्ज जॉइंट को करता है, तो सोचो ये DIPG को भी डिस्टर्ब करता है सबसे छोटा जॉइंट को। अब मैंने बोला कि सर रूमेटॉइड अर्थराइटिस में DIPG होगा मगर कब होगा, उसके पहले उसे मेटाकार्पल यानी ये वाला जॉइंट जहां से फिंगर स्टार्ट हो रही है वो जॉइंट और सेंटर प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल ये दोनों को डैमेज करना पड़ेगा, ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस फैलता है, ये इन दोनों जॉइंट को डैमेज कर देगा, उसी के बाद ये DIPG में देखने को मिलेगा कब, और ऑस्टियोआर्थराइटिस आपको डायरेक्ट DIPG में देखने को मिलेगा, ऑस्टियोआर्थराइटिस में कभी आपको मेटाकार्पल और प्रॉक्सिमल में नहीं मिलेगा, डायरेक्ट आपको आप देखोगे सर अरे DIPG डिस्टर्ब है तो आप बोल दोगे ऑस्टियोआर्थराइटिस है, अब अच्छा ये याद रखना आपने मुझे DIPG है तो सर डायरेक्ट नहीं नहीं उससे पहले चेक करो क्या प्रॉक्सिमल भी अफेक्ट है, प्रॉक्सिमल के साथ क्या मेटाकार्पल भी अफेक्ट है, इनमें भी आपको प्रॉब्लम दिख रही है, बोल रहा है हाँ तो सर ये रूमेटॉइड अर्थराइटिस हो सकता है क्योंकि रूमेटॉइड अर्थराइटिस के सीवियर फॉर्म में बिल्कुल देखने को DIPG में मिलती है कब, उससे पहले उसे मेटाकार्पल और प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट को अफेक्ट करवाना पड़ेगा, ठीक है ये चीज बहुत बड़ी याद रखना, ये यहाँ पर लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं और बायवा में पूछते हैं जनरली, सब ये बोल देते हैं कि DIPG में होता है सर और आर ए DIPG में नहीं होता, होता है अभी रिसर्च में पता चला है कि बिल्कुल होता है, लेकिन उससे पहले गोल्डन रूल होता है कि उससे पहले सर उससे पहले उसे मेटाकार्पल फेलेंजियल जॉइंट और PIPG को अफेक्ट करना ही पड़ेगा तब वो DIPG को कर पाएगा, बल्कि ऑस्टियोआर्थराइटिस डायरेक्ट DIPG को कर सकता है। लास्ट ये वाला तो देखना, ये वाला पॉइंट तो मैं थोड़ा अपने मन से बता रहा हूं और आप खुद इमेजिन करो सर सही बोल रहा हूं, एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस सब में मैंने एक चीज बताई थी, एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में क्या कि उसमें जो प्रॉब्लम होती थी वो सुबह सुबह होती थी, दैट इज मॉर्निंग स्टिफनेस, मॉर्निंग स्टिफनेस, और इसमें आपको होगी नाइट में इवनिंग स्टिफनेस, कैसे सर, अब इसको लॉजिकली दिमाग लगाओ,
ये एज डिजेनरेटिव प्रॉब्लम है। जब आप चलोगे मेहनत करोगे तब चीजें क्या होंगी, ज्वाइंट चलेंगे आपस में टकराएंगे, फिर उसके बाद पेन फील होगा। यानी आप दिन भर काम चुके कर चुकोगे तो रात में फिर घुटनों में, शाम के टाइम पे घुटनों में दर्द होगा जब आप दिन भर की मेहनत कर चुके हो। ठीक है, यानी ऑस्टियोआर्थराइटिस में आप पेशेंट को क्या बोलोगे, सर आप रेस्ट करो क्योंकि आप चलने से पेन हो रहा है। मगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस में ये नहीं होता। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में सुबह सुबह पेन होता है, कब, रेस्ट करने सुबह सुबह का पेन का मतलब क्या है कि रात भर सोने के बाद पूरी रात आराम करा उसके बाद क्यों। यही मैंने एंकलाइज स्पॉन्डिलाइटिस में आपको प्रॉपर समझाया था, वो भी सेम जेनेटिकल डिसीज है, उसका जेनेटिक मार्कर क्या है, B27। उसमें क्यों बताया था मैंने, मैंने लॉजिक बताया था, सिंपल सा लॉजिक था क्या कि रात भर में ये एज डिजेनरेटिव तो है नहीं, क्या मेहनत करोगे तो होगा उसमें, तो रात भर में जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स हैं वो एक्यूमुलेट होने लग जाते हैं आपके ज्वाइंट में, रात भर में इन्फ्लामेटरी मीडिएटर। अब जैसे ही आप वॉक करोगे चलोगे तो क्या होगा, वहां पर सर्कुलेशन बढ़ेगा, सर्कुलेशन बढ़ेगा, ब्लड फ्लो आएगा, तो जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर है वो वहां से ट्रेवल करके निकल जाएंगे, तो वहां पर आपको रिलीफ फील होगा, रिलीफ फील होगा। बल्कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में ज्यादा आप मेहनत करवा दोगे, ज्यादा चलवा दोगे तो पेशेंट थक जाएगा, ज्यादा पेन होगा ऑस्टियोआर्थराइटिस में, बल्कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस में उसे अच्छा लगेगा। और अगर वो ज्यादा आराम करेगा ना रूमेटॉइड आर्थराइटिस में तो उसका बढ़ता चला जाएगा। अगर आप जॉइंट की जैसे छोटे छोटे जॉइंट में हो गया, समझ, क्योंकि मैंने स्मॉल जॉइंट बोला तो स्मॉल जॉइंट का मतलब यहाँ क्या है, कौन सा होगा, रिस्ट, एल्बो, इन जॉइंट में अगर आप इनकी मोबिलिटी नहीं कराते हो, इनको रखते हो, इनमें पेन होता है, और वहीं आप इनकी एक्सरसाइज करा देते हो ना, जॉइंट्स की मोबिलिटी करवा देते हो, एक्सरसाइज कराते रहो, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस में रिलीफ मिलता है। और यही मैंने आपको एंकलाइज स्पॉन्डिलाइटिस में भी समझाया था, क्यों मिलता है, क्योंकि सर रात, क्योंकि ये जेनेटिकली प्रॉब्लम है, इसमें चलने से कोई बात है ही नहीं, इसमें तो चलने से इसलिए हो रहा है क्योंकि चीजें डिजनरेट कर रही हैं। आप और चलोगे और मेहनत होगी तो और डिजनरेट करेंगी और पेन होगा, इसमें तो सर को डिजनरेट तो नहीं रहा, जेनेटिकली है, यानी वहां पर इन्फ्लामेशन बढ़ता ही चला जा रहा है। हम चीजों को अगर फ्रेश ब्लड नहीं लेके आएंगे तो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स वहां पर एक्यूमुलेट होते चले जाएंगे, वो पेन क्रिएट कराएंगे, और फिर हम कुछ टाइम पीरियड तक नहीं करेंगे, इतने ज्यादा इन्फ्लामेटरी मीडिएटर कलेक्ट हो जाएंगे कि वो जॉइंट की स्टिफनेस ही करा देंगे, फिर आप चाहकर भी एक्सरसाइज वगैरह और वो सब नहीं करा पाओगे। तो ये चार डिफरेंशिएट बिल्कुल क्लियर होने, आज मैंने छह बताई और ये छह बिल्कुल याद होने चाहिए, एक एक का लॉजिक समझा दिया है, ठीक है, कि क्यों ऐसा क्यों, एक एक का लॉजिक क्लियर होना चाहिए। ये मॉर्निंग इवनिंग स्टिफनेस वाला ये पॉइंट बिल्कुल हटके जनरली, ठीक है, इसमें आपको कोई भी पूछे तो बिल्कुल दिमाग लगाना है कि हाँ सर इस वजह से मॉर्निंग स्टिफनेस है, क्योंकि यही हमने एंकलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस में भी पढ़ा, इसमें भी पढ़ रहे हैं, क्योंकि सर ये ऑटो इम्यून है, ये हमारी खुद की इम्यूनिटी अगेंस्ट वर्क कर रही है सर, तो वो तो चीजों को खराब करेगी, वहां पर रात में हमारे मीडिएटर्स इकट्ठे हो जाएंगे, इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स, और वो अगर एक्यूमुलेट हो जाएंगे तो पेन क्रिएट कराएंगे, हम अगर एक्सरसाइज करेंगे फ्रेश ब्लड आएगा तो सब चीजें ठीक होंगी। एज डिजनरेशन में तो आप चलवा दोगे तो और चीजें ज्यादा डिजनरेट होगी, तो चीजें और हमारी खराब होती चली जाएंगी। क्या क्राइटेरिया रहेगा, ये कुछ क्राइटेरिया है ये याद रखना है, मॉर्निंग स्टिफनेस लॉजिक बता चुका हूं क्यों, स्वेलिंग रहेगी, स्वेलिंग तो आपने यहाँ पर इन्फ्लामेशन की पांच चीजें पढ़ी चुके हैं, स्वेलिंग, पेन, रेडनेस, है ना, हीट और इरिटेशन, तो इसका एक होता है कि ये हमेशा तीन और तीन से ज्यादा आपके जॉइंट इन्वॉल्वमेंट में होने चाहिए, तभी आप उसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस बोलेंगे। कितने, तीन और तीन से ज्यादा जॉइंट, अगर तीन और तीन से ज्यादा जॉइंट अफेक्ट नहीं है तो आप उसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस नहीं बोलते। इतने जॉइंट तो अफेक्ट होंगे क्योंकि जेनेटिकल प्रॉब्लम है, और ये छोटे छोटे जॉइंट से स्टार्ट होता है, तो छोटे छोटे रिस्ट हुए आपके, है ना, एल्बो ही, तो तीन से ज्यादा स्पेसिफिक जॉइंट को इन्वॉल्वमेंट में ले लेता है। जनरली कहां देखने को मिलता है, स्वेलिंग ऑफ जॉइंट इन हैंड एंड रिस्ट, सिमेट्रिकल स्वेलिंग मिलती है। क्यों सिमेट्रिकल मिलेगी सर, क्योंकि ये जेनेटिकली है। अब ऐसा तो है नहीं कि ये ऑस्टियोआर्थराइटिस हो कि भैया जिस हैंड का ज्यादा यूज कर रहे हो तो वहां पे ज्यादा दिखेगी, जिसका कम कर रहे हो वहां कम दिखेगी, इसमें तो बराबर दिखेगी ना, ये कोई आपके काम करने से थोड़ी ना आ रही है, तो जेनेटिकली है, तो ये आपको जो भी आशीर्वाद देगी वो बराबर ही देगी। दोनों हाथों में, दोनों जॉइंट में अगर इन्फ्लामेशन अगर दोनों एल्बो में हो गया तो दोनों एल्बो में बराबर दिखेगा, चाहे आप काम करो या वो करो, तो आपको सारी चीजें बराबर ही देखने को मिलेंगी। एक मेजर फैक्टर दैट इज रूमेटॉइड नोड्यूल क्या होता है सर, व्हाट इज रूमेटॉइड नोड्यूल, ये आपको सिर्फ 20% केसेस में ही देखने को मिलते हैं, यानी सर ये सीवियर फॉर्म में देखने को मिलेंगे, बिल्कुल सही, ये आपको सीवियर फॉर्म में देखने को मिलते हैं। रूमेटॉइड नोड्यूल्स क्या होते हैं, रूमेटॉइड नोड्यूल्स इस तरीके से, ये कहां पड़ जाते हैं, जॉइंट्स के बीच में पड़ जाते हैं। देखो इसको डीआईपी में है कि नहीं, लेकिन डीआईपी से पहले इसको पीआईपी में भी है। देखो यहाँ पर कितनी, ये मैं इससे क्लियर भी की चीज होगी, क्योंकि 90% लोग बोलते हैं सर डीआईपी में आ रहे, होता ही नहीं, होता है
उससे पहले देखो पीआईपी इन्वॉल्वमेंट है और मेटाकार्पोफेलियल जॉइंट भी, ये वाला जॉइंटिंग इन्वॉल्वमेंट में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है इसको देखो, दिख रहा है, देखो इसमें दिख रहा है नोड्यूल्स, देखो ये दिख रहा है इसका ये इन्वॉल्वमेंट में, दिख रहा है ये नोड्यूल्स होते हैं। सर ये क्या होते हैं नोड्यूल्स, ये होते क्या है? ये कुछ नहीं होते, जो नोड्यूल्स होते हैं ना ये 20% केसेस में मिलते हैं, और इसके अंदर इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स जो एबनॉर्मल चीजें होती है ना, ये एबनॉर्मल जो डब्ल्यूबीसी और जो सेल डेवरेज वहां पर चीजें होती है वो सब एक्यूमुलेट होने लग जाती है और उनकी एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, उसे बोलते हैं नोड्यूल्स, उसे बोलते हैं। ठीक है उस चीज को बोलते हैं, ये 20% केसेस में आपको देखने को मिलते हैं। तो इनको जरा इतना मत मानना क्योंकि 20% केसेस में ही मिलते हैं। ठीक है तो इतना वो नहीं होता, और सबसे मेजर फैक्टर इसका क्राइटेरिया वो इज रूमेटॉइड फैक्टर पॉजिटिव होना चाहिए, दैट इज एचएलए DR1 और 4 और DR4, इसका टेस्ट आपको पॉजिटिव आना चाहिए। और अभी हम बात कर चुके हैं कि तीन और तीन से ज्यादा में स्वेलिंग, और ये सबसे वैसे बोलते हैं कि चार ज्वाइंट को एटलीस्ट, चार ज्वाइंट इफ फोर और मोर देन प्रेजेंट है तो आप उसे रिमिटेड अर्थराइटिस, चार तो मानते हैं, तीन तीन से ज्यादा बोलते हैं स्वेलिंग में, लेकिन आपसे कोई पूछे तो हमेशा याद रखना चार ज्वाइंट का क्राइटेरिया माना गया, एटलीस्ट फोर ज्वाइंट इन्वॉल्वमेंट में होना ही चाहिए, तब हम उसे फिर रिमिटेड अर्थराइटिस की क्राइटेरिया में लेते हैं। क्या पैथोलॉजी होती है, क्या होगी सोचो, सबसे पहले क्या होगा? इनिशियली 10, अब क्या होगा खुद दिमाग लगाओ, वहां पर इंफ्लामेशन हो रहा है तो स्वेलिंग तो नहीं है, तो इनिशियली द साइनोबियम बिकम इडिमेटस फिल्ड विद फिब्रिन एक्सुडेट एंड सेलुलर इन्फिल्ट, क्या मतलब फिब्रिन एक्सुडेट सेलुलर इन्फिल्ट मतलब क्या, वहां पर हमने बात करी थी ग्रेनिट, एक वर्ड पढ़ा था ग्रेनिडोमस, वही तो यहाँ बोल रहे हैं कि क्या होगा जो ग्रेनिडोमस साइनोबियम में जाके क्या हो जाएगा, इडिमेटस हो जाएगी, और वहां पर क्या हो रहा है जो सेल डेड जो फाइब्रन टूट गए हैं वो सब वो भी वहां पर मिलेंगे, सेलुलर इन्फिल्ट मतलब WBCs है ना, और जितने भी WBC या मैक्रोफेजेस है वो सारे वहां पर आपको एक्यूमुलेट मिलेंगे। यही तो ग्रेनिडोमस की डेफिनेशन थी, जो हमने स्टार्टिंग में वर्ड पढ़ के उसका हमने डेफिनेशन भी बोला था, उसका हमने लाइन पढ़ी थी, क्या था उसमें हमने पढ़ा था कि वो क्या होते हैं, कौन से होते हैं, ग्रेनिडोमस। ठीक है ना, उसका वर्ड का मतलब ये होता है कि जो चीज है एक्यूमुलेट, जैसे आपका सेल डेवरेज जो नई चीजें बन रही है पुरानी, सबको एक साथ कंबाइंड में बोलते हैं, तो वही लिखा हुआ है फिर फिब्रिन एक्सुडेंट सेल इन्फिल्ट मिलेंगे, उससे क्या होगा, क्या होगा खुद दिमाग लगाओ, जब साइनोवियल फ्लूड के अंदर इतनी सारी चीजें इकट्ठी हो जाएंगी तो साइनोवियल फ्लूड अपने साइज में बड़ा होगा कि नहीं होगा? सर बिल्कुल होगा, यानी चीजें कैसे खराब हो रही है, खुद दिमाग लगाओ, सबसे पहले साइनोवियल फ्लूड खराब होगा, अब इसके अंदर चीजें जो अंदर भरती गई, इन्फ्लामेशन भरता गया तो साइनोवियल फ्लूड अपने साइज में बढ़ गया, अपने साइज में बढ़ गया और उसने पूरे साइनोवियल फ्लूड को डिस्टर्ब कर दिया। अब उसके जस्ट ऊपर क्या है सर, कार्टिलेज, यानी ये माइल्ड था, सिर्फ अगर साइनोवियल फ्लूड खराब हुआ है तो उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, माइल्ड। अब सर मॉडरेट क्या होगा, कि वो कार्टिलेज को इन्वॉल्वमेंट में लेना स्टार्ट कर दे, फिर सीवियर क्या होगा कि कार्टिलेज को खत्म कर दिया और बोन को भी इन्वॉल्वमेंट में ले लिया, जब पूरा ऑस्टियोआर्थराइटिस के बराबर पहुंच गए, ऑस्टियोआर्थराइटिस में उल्टा होता है वो अंदर से बाहर की तरफ आते हैं है ना, तब वो आप उसको सीवियर बोलोगे। तो क्या बोल रहे हैं, देयर इज इंक्रीज इन साइनोवियल फ्लूड, अब एज दी इन्फ्लामेशन परसिस्ट, अब क्या इन्फ्लामेशन तो हमेशा बना ही रहेगा, पहले साइनोवियल फ्लूड को पूरा खराब कर दिया, अब इन्फ्लामेशन अब अभी भी बना हुआ है तो अब वो क्या ऊपर की चीजों को खराब करेगा, सो एज द इन्फ्लामेशन परसिस्ट द साइनोबियम गेट्स हाइपरट्रॉफिड, अब साइनोबियम जो फ्लूड है वो अपने साइज में बड़ा हो जाएगा और कार्टिलेज को इन्वॉल्वमेंट में लेना स्टार्ट कर देगा, तो द साइनोबियम गेट हाइपरट्रॉफिड एंड सराउंड्स द पेरिफेरी ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज टू फॉर्म्स अ पेनस, एक वर्ड याद रखना पहले, इससे पहले ये समझो क्या बोला, कि ये जो साइनोवियल फ्लूड है ये धीरे धीरे अपनी बाउंड्री पर आकर आर्टिकुलर कार्टिलेज की बाउंड्री को इन्वॉल्वमेंट पर ले लेता है और उसको डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर देता है, और यहाँ पर आपको एक लेयर देखने को मिलती है, उसका नाम होता है PANNUS पेनस लेयर, क्यों क्या होती है वो लेयर, आपको एक रिमार्केबल लेयर होती है जो आपको लेयर बता देती है, MRI वगैरह हम देखते हो आपको क्लियर दिखा देती है कि सर यहाँ पर अगर पेनस बन गया यानी ये कंडीशन मॉडरेट में जा चुकी है, यानी अब ये माइल्ड नहीं रहा। क्या होती है पेनस लेयर, एबनॉर्मल लेयर ऑफ ग्रेन्यूलेशन टिश्यू, जो हमने बोला ना अभी इतनी सारी चीजें जो एक्यूमुलेट अंदर होते हैं सेल डेवरेज और वो जब अंदर सब साइनोवियल फ्लूड के अंदर था, अब वो बाहर की तरफ निकल कर आकर यहां सराउंडिंग्स पर, साइनोवियल फ्लूड की सराउंडिंग पर आकर, तो क्या हमने बोला कि क्या होता है, देखो सीधा सीधा समझो इसको, देखो ये क्या है, अंदर की तरफ होता है साइनोबियल फ्लूड, ठीक है ये आपकी बोन है,
बोन के ऊपर ही आउटर लेयर है, एक कार्टिलेज होता है और अंदर होता है साइनोवियल फ्लूइड। अब होता ही है कि सबसे पहले जो अफेक्ट होने वाली चीज होती है वो होती है साइनोवियल फ्लूइड। साइनोवियल फ्लूइड कैसे अफेक्ट हो रही थी, हमने बोला सर उसके अंदर केमिकली जो आपके क्या बोलते हैं इंफ्लामेटरी मीडिएटर्स है बहुत सारे, है ना, और बहुत सारे ये सारे WBCs और ये सारी चीजें उसी को पेनस बोलते हैं, वो सारी उस एक्यूमुलेशन को। अब वही साइनोवियल फ्लूइड्स को पूरा डिस्टर्ब करके वो लेयर बाहर की तरफ आ जाती है और वो लेयर अटैच हो जाती है आर्टिकुलर कार्टिलेज में और उसको डिस्टर्ब करना स्टार्ट कर देती है। जब भी ये पेनस फॉर्मेशन जब MRI वगैरह में देखने को मिलता है ना, तो ये मालूम ये किसकी निशानी होती है, इस चीज की निशानी होती है कि सर ये मॉडरेट में कन्वर्ट हो चुका है, ये आपका जो नोट है ये माइल्ड नहीं बचा, क्योंकि इसने साइनोवी जो कुछ तीन चीज पर डिस्क्राइब होता है, माइल्ड मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड मतलब कि जब तक साइनोवियल फ्लूइड डिस्टर्ब है आप माइल्ड बोलते हो, मॉडरेट का मतलब है कि साइनोवियल फ्लूइड से डिस्टर्ब होकर वो आर्टिकुलर कार्टिलेज में चला गया, उसने आर्टिकुलर कार्टिलेज को डिस्टर्ब कर दिया। और तीसरा मतलब कि आर्टिकुलेट सीवियर मतलब कि आर्टिकुलेट कार्टिलेज कंप्लीटली टूट चुका है और उसके बाद बची है बोन और उसने बोन को डिस्टर्ब करना भी अब शुरू कर दिया है, दैट इज सीवियर फॉर्म ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। क्योंकि हम बात कर चुके हैं अंदर से बाहर की तरफ जाता है और बाहर सबसे आखिरी में बोन है, बोन डैमेज होना यानी आपका स्टार्ट हो गई है। तो पेनस इज द साइन ऑफ मॉडरेट रूमेटॉइड आर्थराइटिस, क्योंकि वो है क्या, इट इज एबनॉर्मल लेयर ऑफ ग्रेन्यूलेशन टिश्यू। ग्रेन्यूलेशन मतलब सर उसके अंदर जो नई चीजें बन रही वो भी है, जो खराब चीजें इन्फ्लामेटरी सारे का एक्यूमुलेशन है, उनका कलेक्टिव पार्ट है, है ना। और वो कैसी होती है, वो एक लूज स्मूथी साइनी सरफेस होती है, देख रहे ना, ये लूज स्मूथी कहीं कहीं पर एक्यूमुलेट कहीं कहीं पर नहीं होती है। तो ये ध्यान रखना ये किसके बारे में मैंने आपको बताया कि क्या होती है। तो एज द इन्फ्लामेशन परसिस्ट द साइनोबियन, हमने बात करी साइनोबियन हाइपरट्रोफिड होगी यानी अपने साइज में बड़ी होगी और उसके अंदर जो भी चीजें वो उसकी कैसे उसकी पेरिफेरी पर आएंगी और पेरिफेरी पर जाके जो आर्टिकुलर कार्टिलेज की अपर सरफेस है पेरिफेरी उसको इन्वॉल्वमेंट में ले लेंगी और उसके ऊपर एक लेयर बन जाती है, उस लेयर को बोलते हैं पेनस, PANUS, ठीक है। और पेनस के अंदर क्या होता है मैं आपको बता दूं, सारे ग्लैंडुलर टिश्यू केमिकल आपके इन्फ्लेमेटरी मीडिएट्स और ये सब सारे आपके जो अंदर थे जो चीजों को अंदर काट साइनोवियल फ्लूइड को खराब कर रहे थे वो ही बाहर चले गए, उसी को उस लेयर को हम पेनस बोल देते हैं। अब क्या होगा, अब जैसे ही बाहर पहुंचा यानी यहां से माइल्ड कंडीशन खराब, अब मॉडरेट होना स्टार्ट हो गई। अब मॉडरेट में मैंने क्या बोला कि सर वो आर्टिकुलर कार्टिलेज को डैमेज करना स्टार्ट कर देगा, सो द आर्टिकुलर कार्टिलेज विल बी स्टार्टिंग डैमेज एंड लूज इज इट्स स्मूथ और साइनी अपीयरेंस, जो उसकी जो स्मूथ और साइनी अपीयरेंस है, क्यों, आर्टिकुलर कार्टिलेज का काम ही क्या होता है, वो ज्वाइंट में एक दूसरे को आर्टिकुलेट करवाती है। जैसे इस केस में देखो, अगर मैं बात करूं ये अगर जॉइंट है तो ये आर्टिकुलर कार्टिलेज और ये आर्टिकुलर कार्टिलेज जो बोन के ऊपर होती है और फिर बीच में साइनोवियल फ्लूइड होता है, यहीं से मूवमेंट होता है, तो ये मूवमेंट में रोल प्ले कराती है क्योंकि ये बोन से चिपकी हुई होती, नहीं तो अगर ये आर्टिकुलर कार्टिलेज नहीं होगी तो बोन पास पास में आ जाएंगी और वो एक दूसरे से टकराने लग जाएंगी और ऑस्टियोफाइट्स बनने लग जाएंगे। तो यही पूरा ऑस्टियोआर्थराइटिस का हमने पढ़ा था, तो वही होता है कि अब आर्टिकुलर कार्टिलेज खराब होना स्टार्ट हो गई, वो अपनी जो उसकी एक स्मूथ और साइनी अपीयरेंस है वो लूज करना उसने स्टार्ट कर दिया, यानी द कंडीशन बिकम मॉडरेट। अब जो क्या पहले सब बुक अब जा रहा है, वो सीवीआरटी की तरफ जा रहा है, यानी अब वो बोन को खराब करना स्टार्ट कर देगा। बोन को कब खराब कर पाएगा, जब वो कंप्लीटली आर्टिकुलर कार्टिलेज को खराब कर चुका होगा, यानी इट कन्वर्ट इनटू सीवियर फॉर्म। द पेनस एक्सटेंड ओवर द कार्टिलेज, कार्टिलेज के ऊपर गया क्योंकि हम बात कर चुके हैं अंदर से बाहर की तरफ जाता है, फ्रॉम द पेरिफेरी एंड बोरोस इनटू द सबकॉन्ड्रल बोन। व्हाट इज सबकॉन्ड्रल बोन, जो आउटर सरफेस होती है बोन की, इट्स कॉल्ड एज सबकॉन्ड्रल बोन, जो आर्टिकुलर कार्टिलेज से जुड़ी होती है। जैसे वो आर्टिकुलर कार्टिलेज को डैमेज करेगा, सबसे सामने पहले उसके सामने कौन सी आएगी, सबकॉन्ड्रल बोन की आउटर सरफेस, उसको डैमेज करना वो स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो जो पेनस है वो कहां पहुंच गया, सबकॉन्ड्रल बोन तक पहुंच जाता है विद फर्दर प्रोग्रेस। अब जो आपका कार्टिलेज जो पूरा टूट के अलग हो जाता है और बोन है वो आपकी कैसी हो गई, बिकम रॉ, यानी एक दूसरे के सामने आ गया बोन, जो बोन है जो बोन आपस में, अब एक दूसरे के ही आपस में एक दूसरे से क्या करेंगी, जब भी मूवमेंट होगा तो एक दूसरे से टकराएंगी और ऑस्टियोफाइट्स जनरेट होंगे, बोन टूटेगी क्योंकि फ्रिक्शन की वजह से बोन एक दूसरे से टकराएंगी और टूटेगी, ठीक है। यानी ये बिल्कुल उस तरह सीवियर हो गया, जो ऑस्टियोआर्थराइटिस का माइल्ड कंडीशन था वो उसका सीवियर कंडीशन है कि बोन टूटना। तो जॉइंट अब क्या होगा, आखिरी में हम जानते हैं आखिरी में जितनी ये सारी बोन टूटने लग जाएंगी, कार्टिलेज टूट गया, अब ये सब टूट के कहीं बाहर जाएंगे क्या, कहीं नहीं,
सर इसी इन्हीं ज्वाइंट के बीच में सारी सारे फंसके रह जाएंगे और ज्वाइंट को कंप्लीटली इमोबाइल कर देंगे। जब सारी चीजें बीच में ज्वाइंट के बीच में एक्यूमुलेट हो जाएंगी, स्पेस रहेगा नहीं तो मूवमेंट होगा कहां से, ज्वाइंट कंप्लीटली एंकलाइज हो जाएगा। व्हाट द मीन ऑफ एंकलाइजिंग, एंकलाइजिंग का मतलब ही होता है क्या, स्टिफ। तो ज्वाइंट गेट डिफॉर्म्ड ड्यू टू फाइब्रोसिस ऑफ द कैप्सूल एंड अदर सॉफ्ट टिश्यू स्ट्रक्चर्स। कौन से जो उसके आउटर कैप्सूल वैप्सूल थे वो उन सबको लिखा ना, ये कैप्सूल को इन्वॉल्वमेंट में ले लेगी, जो आर्टिकुलर कार्टिलेज इनको तोड़ के इनको ये छोटे छोटे फाइब्रस की फॉर्म में टूट कर यही बीच में एक्यूमुलेट हो जाते, जाएंगे कहां, यही तो रहेंगे जॉइंट स्पेस के बीच में, और उसको कैसा कर देंगे, जॉइंट को स्टिफ बना देंगे। तो क्या फाइब्रस एंकलाइजिंग, जब तक पहले फाइबर एंकलाइजिंग होता है, फाइबर एंकलाइज का मतलब कि आपकी आर्टिकुलर कार्टिलेज टूट के वो बीच में फंस जाती है, पहले वो स्टिफनेस कराती है, फिर धीरे धीरे करके इन्फ्लामेशन बढ़ बढ़ के बोन को भी तोड़ने लग जाता है, फिर बोन के ऑस्टियोपैड वो भी टूट के बीच में खट्टे हो जाते हैं, देन दे लेटर कॉज बॉडी एंकलाइजेस। पहले तो फाइब्रस एंकलाइजिंग कराया, कब तक आप खुद सोचो सर, फाइब्रस एंकलाइजिंग से कौन सा खतरनाक होगा, बोनी एंकलाइजेस। स्टार्टिंग में तो सिर्फ क्या चीजें टूट रही थी, आर्टिकुलर कार्टिलेज, उसकी वजह से स्टिफनेस आ रही थी, वो बीच में एक्यूमुलेट हो गई, धीरे धीरे करके बोन भी टूटने लगी, फिर बोन निकली, यानी कंप्लीटली जॉइंट कैसा हो जाएगा, स्टिफ। अब दिमाग लगाओ क्या होगा, जैसे ही बोन टूटेंगी तो क्या होगा, ऑस्टियोपोरोसिस, यानी पोर्स डेवलप होंगे बोन में, तो ऑस्टियोपोरोसिस ऑफ जॉइंट और एडजेसेंट टू द अफेक्टेड जॉइंट डेवलप, और ये एक जॉइंट से बढ़कर दूसरे जॉइंट की तरफ फैलता है, एक जॉइंट को अफेक्ट जैसे ही कर देगा, जैसे मैंने बताया था हैंड में कि पहले मेटाकार्पल को करता है, फिर मेटाकार्पल को पूरा खराब करके ट्रेवल करके प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल पर जा रहा था, और आखिरी में जब इतना सीवियर हो जाता है तो वो डिस्टल इंटरफेरेंजियल को भी खराब कर देता है, बिल्कुल लास्ट लास्ट स्टेज में, है ना। और ये ऐसे ही ट्रेवल कर करके बॉडी के सारे ज्वाइंट को धीरे धीरे करके इन्वॉल्वमेंट में लेना स्टार्ट कर देता है, क्योंकि ये जेनेटिकली और ये फैलती चली जाती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस डेवलप जॉइंट एडजेसेंट टू द अफेक्टेड जॉइंट डेवलप। अब इसका क्विक रिवीजन फटाफट करते हैं, जितना हमने पढ़ा मैं बोलते जाऊंगा फटाफट, आप लोग खुद मन में सोचते हो कि अच्छा हाँ ये पढ़ा था, ये पढ़ा, ये कोई ऐसे ऐसे हमने करके पढ़ा। सबसे पहले क्या हो रहा था, सबसे पहले हमने पढ़ा था कि इनिशियली में क्या हो रहा था, साइनोबियम कैसी हो रही थी, इडिमेटस हो रही थी, क्यों, क्योंकि जो फिल्ड विद फिब्रिन एक्सुडेट एंड सेलुलर इन्फिल्ट्रेट, फिब्रिन एक्सुडेट मतलब क्या कि केमिकली मेडिएटेड है, डब्ल्यूबीसी लिम्फोसाइट और ये सब आ रहे थे और उस साइनोबियम को इडिमेटस कर रहे थे। फिर क्या हो रहा था सर, वो अगर ये सब तो आ गए, फिर इन्फ्लामेशन बढ़ेगा तो और सारी चीजें आती चली जाएंगी, तो क्या होगा, इन्फ्लामेशन इफ परसिस्ट हाइपरट्रॉफिक साइनोबियम की हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, साइनोबियम की हाइपरट्रॉफी। जैसी साइनोबियम की हाइपरट्रॉफी हो गई तो फटाफट क्या हो रहा था, वो साइनोबियम किससे टच हो रहा था, किसके आर्टिकुलर कार्टिलेज की पेरिफेरी से, और क्या वहां बना रहा था, कौन सी लेयर बना रहा था, दैट इज पेनस फॉर्मेशन, पेनस कौन सी लेयर थी, इट इज एबनॉर्मल लेयर ऑफ ग्रैनुलेशन टिश्यू, जो एक लूज और स्मूथ और एक साइनी सरफेस थी, ठीक है। अब वो क्या हो रहा था, जैसे अब उसके बाद पूरी आर्टिकुलर कार्टिलेज टूट रही थी, और आर्टिकुलर कार्टिलेज टूटने के बाद वो बोन को अफेक्ट कर रही थी, कौन सी बोन को, जिससे बोन अटैच थी, जिसको हम सब कॉन्ड्रल बोन बोल रहे थे, यानी पेनस एक्सटेंड over the cartilage and boros into the subchondral bone, उसने bone को affect करना कर दिया था।